ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 मारुति सुजुकी सिलेरियो ZXi BS6। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, सारे फीचर स्पेसिफिकेशंस जो भी अवेलेबल होंगे साइड्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके नियरेस्ट शोरूम्स में ये वाली जो गाड़ी है आ चुकी है, जो BS6 वेरिएंट्स है आ चुके हैं। जो लोग भी ZXi के लिए वेट कर रहे थे अपने नियरेस्ट शोरूम विजिट कर लीजिए अगर आपको ये मॉडल लेना है। साथ में आपको अगर VXi मॉडल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैं लिंक लगा दूंगा। अगर इन केस आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप मारुति सुजुकी की प्लेलिस्ट विजिट कर लेना चैनल पर, वहाँ पर आपको इसका डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू देखने को मिल जाएगा। इधर दोस्तों आप फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हैं सिलेरियो की, जो एक बहुत ही अच्छी सी ऑफरिंग है मारुति की तरफ से, बहुत ही पॉपुलर ऑफरिंग है मारुति की तरफ से। आप में से ये लोग ये बात बहुत सारे लोग जानते होंगे। चलते हैं पास में और जो इसका क्लोज व्यू है वो पूरा मैं आपको दे देता हूँ। हमेशा कोशिश रहती है कि गाड़ी आपको अच्छे से दिख जाए हर एक एंगल से। इधर अपने आप हेडलैम्प्स देख सकते हो, नॉर्मल हेडलैम्प्स आपको प्रोवाइड करे गए, काफ़ी ब्रॉड क्लस्टर देखने को मिलता है। इधर आपका पूरा जो क्रोम फिनिश है वो आप देख सकते हो। ब्यूटिफिकेशन करने की भी कोशिश करी है कंपनी ने, जो काफ़ी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, काफ़ी अच्छा ये लग रहा है। नीचे आप देखते हैं तो कोई आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलते हैं, अगर आप चाहते हो तो आप अलग से लगवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आपको लगवाने चाहिए, विंटर टाइम में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं फॉग लैम्प्स और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इधर आप अपना जो ग्रिल है वो देख लो, तो आपको मारुति का लोगो मिलता है क्रोम के ऊपर। ऊपर पूरी आपको जो क्रोम प्लेटिंग है वो आपको प्रोवाइड करी गई है। अपर की बात करते हैं, अपर पार्ट की बात करते हैं, तो इधर आपका जो वाइपर सेटअप है वो देख लीजिए, डुअल वाइपर सेटअप आपको देखने को मिलता है। ये आपके डुअल वॉशर्स हो गए। इसके अलावा आप अगर बोनट देखते हैं तो आपको हल्के से पैटर्न साइड्स में प्रोवाइड करे गए हैं, बहुत ही बढ़िया सा स्लोप आता है, कंप्लीट डिज़ाइन लगती है, कोई भी चीज़ आपको आउट ऑफ मैच नहीं लगेगी। इधर अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा, अपने व्यूज़ ज़रूर एक्सप्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं अब इसकी पहले जो रूफ़ है वो इधर से दिखा देते हैं, तो आपको इधर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, पैटर्न प्रोवाइड करे गए हैं रूफ़ में जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और साथ में आपका जो एंटीना है वो आप इधर चेक कर सकते हो। की दिखाने की बात आती है अगर, तो आपकी एक की नॉर्मल, एक की आपको रिमोट अवेलेबल है, लॉक अनलॉक बटन आपको प्रोवाइड करी गई है। की का साइज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी हैवी कीज़ आपको देखने को मिलती हैं। इसको रख लेते हैं वापस, और मेन जो मतलब रिमोट वाली की है वो काफ़ी बढ़िया सी दी गई है। अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आप वन फ्रेम व्यू पूरा देख सकते हैं, कंप्लीट आपको साइड का आइडिया लग जाएगा, कंप्लीट आपको साइड प्रीव्यू इधर मिल जाएगा। जो भी रिलेटेड स्पेक्स हैं, फीचर्स हैं, वो भी आपको साइड्स में शॉर्ट्स में इनकॉर्पोरेटेड मिलेंगे, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि वीडियो पूरा ज़रूर देखा करिए सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद आपका टायर्स है MRF के ZVTV नॉर्मल टायर्स दिए गए हैं। इधर आप अपने जो कवर्स हैं वो देख सकते हो, इधर कोई भी आपको अलॉय व्हील्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। ORVM की बात कर लेते हैं, तो ये आपको मिलते हैं बॉडी कलर पे, नीचे मिलती है आपको हल्की सी ब्लैक एंड फिनिश, आपका इंडिकेटर इंसर्ट। चलते जाते हैं पीछे की तरफ, और इसका जो डोर हैंडल है वो आप देख लीजिए, बॉडी कलर पे अवेलेबल है, काफ़ी हैवी से हैंडल्स प्रोवाइड करे गए हैं। डोर लाइन विंडो लाइन की बात करते हैं, तो इधर कोई भी आपको फिनिश नहीं मिलती, ऐसे एक्स्ट्रा वाली जो बोलते हैं ना ब्यूटिफिकेशन के लिए, नॉर्मल आपको अलग लगवाना है तो आप अलग से लगवा लेना, क्रोम या सिल्वर की जो बीडिंग्स होती हैं वो इधर प्रोवाइड नहीं करी गई हैं। साथ में जो आपका फ्यूल इंटेक एरिया है वो आप पूरा इधर चेक कर सकते हो। गाड़ी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के साथ आती है, काफ़ी स्पेशियस भी है, अभी वो अंदर बैठकर भी आपको दिख जाएगा, और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी करी हुई है सिलेरियो, जैसे जिन लोगों ने बताया उन्हीं की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब जो इसका बैक प्रीव्यू है वो पूरा आपको दे देते हैं, थोड़ा सा लाइट का इधर प्रॉब्लम है लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी आपको अच्छे से दिख जाए, तो कोऑपरेट करिएगा। इधर आप देखते हैं आपका जो हाई स्टॉप लैंप है, आपका डिफॉगर है, आपका जो रियर वाइपर है, साथ में सुजुकी की ब्रांडिंग, सिलेरियो की ब्रांडिंग आपको क्रोम पे दी गई है। अपने टेल लैंप चेक कर लीजिए आप, तो इधर आपको नॉर्मल बल्ब्स प्रोवाइड करे गए हैं, काफ़ी ब्रॉड से पूरे टेल लैंप्स इधर देखने को मिलते हैं, काफ़ी बड़े से पूरे जो टेल लैंप्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद आपके जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो आप देख सकते हैं, बैक करने में आपको सपोर्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट नॉर्म है और वो इधर प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप टेलगेट की बात करते हैं तो इधर आपको जो ये स्लोप दिया गया है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ये मेरे थॉट्स हैं, आपकी कुछ अगर अलग थिंकिंग है तो आप नीचे इंडिपेंडेंट हो कमेंट्स में शेयर करने के लिए, ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पे 3 फोल्ड्स में पूरा ये टेलगेट प्रोवाइड किया गया है। इसको ओपन कर लेते हैं और अंदर की जो स्पेसेस हैं वो आपको दिखा देते हैं। इधर आपका जो बोल सकते हैं कि रियर पार्सल ट्रे है, काफ़ी ब्रॉड सी प्रोवाइड करी गई, काफ़ी अच्छी ये लग रही है। साथ में आपका जो बोल सकते हैं कि स्पेस है, जो बूट स्पेस है, वो आप इधर चेक कर सकते हो, काफ़ी सारी स्पेसेस इधर ओपन है, बहुत सारी स्पेस, अच्छी स्पेस इधर प्रोवाइड करी गई है। अब इसको बंद कर देते हैं और
चलते हैं, आपका जो को ड्राइवर साइड है वो आपको चेक कराएंगे, मैं को ड्राइवर साइड बोल गया था, ये आपका हो गया ड्राइवर साइड, कभी कभी गलती से मुंह से निकल जाता है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा, ये आपका ड्राइवर साइड हो गया। अब इंटीरियर दिखाने का टाइम आ गया है, जो ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर के साथ आता है। इधर आप देख सकते हो आपको डुअल टोन इंटीरियर्स देखने को मिलते हैं, डुअल टोन आपको जो फिनिश है वो प्रोवाइड करी गई है। बेस फिनिश का मैं खुद भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी एयरी इंटीरियर लगने लगता है, काफ़ी स्पेसी इंटीरियर लगने लगता है, और इधर वो आप महसूस कर पा रहे होगे। इधर आप अपनी जो सीट्स हैं पहले वो देख लो, आपको हेडरेस्ट इनबिल्ट दिए गए हैं, आपकी सीट बॉडी में एडजस्टेबल आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। अब इधर आपको जो डोर है वो चेक करा देते हैं, तो आपकी डोर पॉकेट्स हो गई, आपके पाव विंडो कंट्रोल हो गए, डोर विंडो लॉक हो गया, डोर लॉक अनलॉक हो गया, और फ्रंट वाला आपको ऑटो मिलता है। इधर मेजरली आप देखते हैं तो बेसिक जो कवरिंग है वो आपको एक ही टोन मिलती है, बस सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर चेंज कर दिया गया है। सीट एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं तो केवल आपको बैक एडजस्ट दिया गया है, इधर आपको हाइट एडजस्ट प्रोवाइड नहीं करा गया है, ये आप देख सकते हो, केवल आपको बैक एडजस्ट मिलता है। बाहर से दोस्तों काफ़ी बात कर ली है, चलेंगे गाड़ी के अंदर। अब जिसके इंटीरियर फीचर्स हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे, इंटीरियर आपको विस्तार में डिटेल में देखने को मिलेगा। अभी तक आपको अगर गाड़ी अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पर। अब बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर आपसे डिटेल में बात करेंगे। अब दोस्तों मैं ऑल न्यू 2020 मारुति सुजुकी सिलेरियो ZXi BS6 के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। अभी बाहर से मैंने आपको डैशबोर्ड दिखा दिया था, वो तो साइड प्रीव्यू था, अब यहाँ पे आप पूरा इसका जो फ्रंट प्रीव्यू है वो आप ले सकते हो। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मैंने आपसे बाहर बोला था, वो शायद आप फील कर भी पा रहे होंगे, स्पेशली इसकी कॉम्बिनेशन की वजह से, ये जो बेज है ना इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड और एयरी इंटीरियर लगता है, और बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी जब आप इसके अंदर बैठोगे, बहुत आपको आराम महसूस होगा। ये मेरे थॉट्स हैं जो मैं गाड़ी के अंदर बैठकर आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाकी जो लोग भी रियल लाइफ ओनर्स हैं बेरोक टोक अपने जो थॉट्स हैं वो बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, डैशबोर्ड आप देख लो, अपर पार्ट बहुत ही ब्रॉड डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड करा गया है, विथ इसकी बहुत ही शानदार है, पूरा रगेड फिनिश इधर मिलता है, काफ़ी सारी स्पेस इधर ओपन है, जैसे आप चाहना वैसे यूज़ कर लेना। इसके बाद आप इधर देखते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग, इधर आपका जो बोल सकते हैं आप ये मीटर है, स्पीडोमीटर है, आपका जो DIS है ये आप देख सकते हो, आपका जो स्पीडोमीटर का एरिया वो काफ़ी कवर्ड है, राउंडेड शेप में डायल पूरा दिया गया है, सिल्वर फिनिश भी दे दी गई, थोड़े से ब्यूटिफिकेशन के लिए अट्रैक्टिव है, और इसका जो लाइट यूज़ करा गया है ना, जो डिजिटल यूज़ करा गया है वो काफ़ी शानदार लग रहा है मुझे, बाकी आप अपने व्यूज़ बता सकते हो। डोम आप देख लीजिए तो डुअल डिज़ाइंस आपको देखने को मिल रही हैं। इधर टॉगल्स की बात कर लेते हैं तो इधर आपका वाइपर का टॉगल है, इधर आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल है। स्टेयरिंग पे आ जाते हैं तो डुअल कॉम्बिनेशन आपको स्टेयरिंग देखने को मिलती है, सिल्वर और आपकी ब्लैक ग्रे फिनिश आप बोल सकते हो, सुजुकी की ब्रांडिंग क्रोम पे। मीडिया कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, म्यूट है, मोड है, वॉल्यूम है, ट्रैक वगैरह चेंज करना है, कॉलिंग कंट्रोल्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं। इसके बाद और कुछ इधर क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने को नहीं मिलता है, आपके जो कॉलिंग कंट्रोल्स हैं ये लगभग आपको मारुति की गाड़ियों में इधर ही देखने को मिलते हैं, जो पोजीशनिंग है वो लगभग सेम रहती है, तो मुझे तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि इंसर्ट पॉइंट हो गया, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको नहीं मिलने वाला है। अब चलते हैं एसी वेंट्स चेक करा देते हैं, राउंडेड शेप में आपको जो एसी वेंट्स हैं प्रोवाइड करे गए, सिल्वर बॉर्डरिंग्स देखने को मिलती हैं, इधर आपकी कन्वीनियंस स्पेसेस हो गई, और इधर आपका हेडलैम्प एडजस्टर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ड्राइवर साइड पूरा कवर हो गया, अच्छे से पूरा बता दिया, जो भी रिलेटेड फीचर्स हैं स्पेक्स हैं आपको दिख रहे होंगे साइड्स में शॉट्स में। अब चलते हैं इसका जो सेंटर कंसोल है वो पूरा कैमरा मूव कर लेते हैं पहले नीचे तक, अच्छे से पूरा आपको आइडिया दे देते हैं सेंटर कंसोल का। नीचे आप अगर सिस्टम की बात करते हैं तो CD/DVD इंसर्ट पॉइंट नॉर्मल सिस्टम दिया गया, लेकिन ज़रूरत के सारे फीचर्स आपको इधर अवेलेबल हैं। आपको जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ब्रॉड दिया गया है, जो भी चल रहा है सिस्टम में इंफॉर्मेशन एक्सेस करना काफ़ी ईजी रहेगा। बटन कंट्रोल्स आप इधर पूरे चेक कर सकते हो, दो आपको रोटरी नॉब मिलती हैं क्रोम फिनिश के साथ। इधर आप देखते हैं अपना एसी कंट्रोल एरिया, सिल्वर फिनिश के साथ आपको नॉब्स अवेलेबल हैं। पूरा व्यू आप ले लीजिए अपने अपर पार्ट का। नीचे आप देखते हैं तो आपको USB और ऑक्स दिया गया है, अच्छी बात है ये, मतलब कि अगर मोबाइल में कोई म्यूज़िक है ऑक्स से कनेक्ट करके प्ले कर लो, और USB में कोई म्यूज़िक है तो कनेक्ट करके आप इधर प्ले कर सकते हो। 12V का सॉकेट हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं। कन्वीनियंस स्पेसेस स्लोपिंग दी गई हैं। गियरबॉक्स की बात करते हैं तो 5-speed गियरबॉक्स मॉडल है विद रिवर्स, इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगा, और रीच आप इधर चेक कर सकते हो, सीट पीछे कर रखी है, 6 feet मेरी हाइट है, आराम से मैं इधर पहुंच रहा हूं। बाकी नीचे आते हैं तो 2 कप होल्डर, इधर आपका हैंड ब्रेक दिया गया है आपको क्रोम बटन के साथ, अच्छी चीज़ है ये, काफ़ी अच्छा लगा ये। अब पूरे जितने फीचर्स स्पेक्स हैं वो सारे आपको देखने को मिल गए होंगे। सेंटर से अब छुट्टी मिलती है, ड्राइवर साइड से छुट्टी मिलती है। अब चलते हैं को ड्राइवर साइड, सबसे पहले ग्लव बॉक्स ओपन कर लेते हैं, स्पेसेस आप इधर चेक कर लो, अच्छी खासी स्पेसेस इधर देखने को मिल रही हैं। इसको बंद कर देते हैं,
चेक करते हैं वैंटी मिरर के लिए। जी हाँ दोस्तों, वैंटी मिरर आपको इधर प्रोवाइड करा गया है आपके को ड्राइवर साइड। ड्राइवर साइड आपको वैंटी मिरर नहीं मिलता है। ऊपर आप देख सकते हैं अपनी जो केबिन लाइट्स हैं काफ़ी ब्रॉड दी गई हैं, अच्छी खासी आपको रोशनी इधर मिलनी चाहिए। इसके बाद आपका ये IRVM हो गया, मतलब इनर रियर व्यू मिरर, काफ़ी इसका जो साइज़ है वो मुझे अच्छा लगा। अब दोस्तों पूरा इधर कवर हो गया है, फिलहाल सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में दिख गई होगी, ऐसा मेरा बिलीफ है। हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आप चैनल पे आए हो तो वीडियो पूरा ज़रूर देखा करो, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। अगर आप एक कार लवर हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर मॉडल को लेना चाहते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी मॉडल की मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ZXi दिखा रहा हूँ तो उसमें VXi दिखा दूंगा फीचर्स, ऐसा कुछ नहीं है। ZXi है तो ZXi के ही फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको प्ले स्टोर ऑप्शन भी विजिट करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, वो ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। अगर आपको किसी और कंपनी के कोई भी और लेटेस्ट लॉन्चेस या कोई पुरानी गाड़ी देखनी है तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बहुत सारी कंपनियाँ आपको मिल जाएंगी प्ले स्टोर ऑप्शन में, तो वो भी ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। अब दोस्तों चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में, वहाँ क्या चेक करेंगे, वहाँ चेक करेंगे कि रियर आर्मरेस्ट वगैरह है कि नहीं है, एसी है कि नहीं है, सारे जो कस्टमर सेंट्रिक इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं रियर सीट को लेकर वो प्रोवाइड करे गए हैं कि नहीं करे गए हैं। अपना सपोर्ट बस आप ऐसे बना के रखिए, आगे भी आपको अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ देखने को मिलती रहेंगी। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार नाउ। दोस्तों आप देख रहे हैं ऑल न्यू 2020 मारुति सुजुकी सिलेरियो ZXi BS6 वेरिएंट की रियर सीटिंग। इधर पूरा व्यू ले सकते हैं अपनी रियर सीट का। थोड़ा सा मैं पीछे आना चाहूँगा तो आपको जो एंट्रेंसेज हैं वो आपको दिख जाएंगी। अब चेक कर लेते हैं अपने हेडरेस्ट, ये आपको इनबिल्ट दिए गए हैं आपकी सीट्स में, ये आपको एडजस्टेबल नहीं दिए गए हैं। इधर आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं करा गया, जो मैं आपसे आगे बोल रहा था कि भी चेक करेंगे पीछे जाके, तो आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, सिंपल प्लेन सीटिंग प्रोवाइड करी गई है। इधर अपनी आपने एंट्रेंसेस शायद चेक कर ली होंगी, फिर से मैं पीछे आ गया हूँ, देख लीजिए। साथ में आपका जो डोर है वो आप चेक कर सकते हो, डोर पॉकेट्स हो गई, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, मेजर आपको एक ही फिनिश देखने को मिलती है, केवल इधर आपको जो ब्लैक इंसर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, बाहर से तो बात हो गई जितनी ज़रूरत थी, अंदर बैठ कर आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप पहले लेग स्पेस देखो, अब आप आगे की स्पेस देखो, अब आप यहाँ पे खुद जज कर सकते हो। थोड़ी सी अभी गाड़ी जो सीट है वो पीछे आ जाने वाली है, थाई सपोर्ट है वो आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हेडरूम भी मस्त वाला मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपसे बाहर बोल रहा था ना कि काफ़ी अंदर स्पेशियस गाड़ी है, तो वो आपको इधर फील हो रहा होगा। इसके अलावा आप नीचे देखते हैं तो जो हम्प है उस पर बहुत अच्छा सा काम किया है, इतना कोई हैवी हम्प नहीं मिलता है, आराम से जो थर्ड पैसेंजर वो यहाँ पे बैठ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉन्ग ड्राइव में अधिकतर लोग अवॉइड करते हैं तो ऐसा यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। इधर भी आपको एक क्लोज्ड जो आपका कप होल्डर है वो प्रोवाइड करा गया है रियर पैसेंजर के लिए, अच्छी बात है, खाली ओपन प्रोवाइड नहीं करता है, तो थोड़ा सा एक डिज़ाइन एलिमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। इसके बाद आपके जो सेफ्टी हैंडल्स हैं वो आप देख रहे हैं, आपको ये इधर नहीं मिलते, ड्राइवर साइड ज़रूरत नहीं होती, बाकी तीनों डोर्स पर अवेलेबल हैं। अब चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में, और यहाँ पे आप अपना जो पूरा डैशबोर्ड है वो पूरा आप देख सकते हो। हमेशा जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ तो डैशबोर्ड ज़रूर चेक करा देता हूँ, किसी भी गाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 2020 सिलेरियो में आपको क्या एक्सपेक्टेड था, वो आपको मिला कि नहीं मिला, क्या आपको अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, वो सारा आपको बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। आपके व्यूज़ जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हम लोगों के लिए। अपना सपोर्ट दोस्तों बना के रखिए, आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे कार्स और बाइक्स के। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।